गाइज आज मैं आप लोगों के सामने दो लड़कियों की एक सक्सेस स्टोरी को रख रहा हूँ, जिसे आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस सक्सेस स्टोरी को एक बार सुन लिया तो आपका एक बिजनेस करने का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा और आप सच में लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। जैसा कि मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी नाम है। आपका क्या नाम है? निगार। ठीक है, आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 21 साल है। 21 साल, आपकी सेम एज है। ठीक है, 21 साल की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो मैम एक बार हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आपने अपना स्टार्टअप किया, और सबसे अच्छी बात तो आप लोगों की ये लगी मुझे कि वो मुस्लिम है और आप हिंदू हैं, दोनों में इतनी एकता है कि दोनों साथ में पढ़े, साथ में जॉब किया और आज बिजनेस भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएं। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हम दोनों ने जब हमारी जब दोस्ती हो गई थी उसके बाद हम दोनों एक जगह जॉब के लिए गए थे। वहाँ पे हमारी सैलरी लगभग 8-10 हज़ार थी, तो हम लोग ने वो जॉब करते थे पर हमारा इतना मतलब इनकम नहीं थी, तो हमें अपनी इनकम और ज़्यादा बढ़ानी थी। तो मैंने एक दिन वैसे यूट्यूब चला रही थी और मैंने वहाँ पर देखा कि आप मात्र 4,000 रुपये में आप कोई भी एक मतलब बिजनेस कर सकते हैं आप। तो मैंने वो वीडियो देखा और वहाँ से मैंने नंबर लिया और फिर नंबर लेकर मैं विजिट करने के लिए आई थी। हम दोनों ही विजिट करने के लिए गए और उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जी, तो उसके बाद आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। अच्छा, मतलब कि 4,000 रुपये में आपका बिजनेस शुरू हो गया। हाँ जी। तो आपने प्रोडक्ट फिर अपने घर पर बनाया, फिर आपको कुछ शॉप लेने की जरूरत पड़ी या कुछ कहीं नहीं, और? पहले तो हमने अपना बिजनेस को बढ़ाने पहले हमने अपना घर पे ही स्टार्ट किया। मतलब एक छोटे से कमरे में आपने सारा जुगाड़ स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। वहीं से आप उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। हाँ जी। देन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको पहले महीने जैसे कि आप जॉब करते थे, आप बता रहे हो 8-10 हज़ार रुपये आप महीना कमाते थे, अच्छी बात है, लेकिन आपका खर्चा नहीं चला उससे, तो आपने पहले महीने में कितनी इनकम, कितने रुपए कमाए पहले महीने में, प्रॉफिट मार्जिन क्या कमाया था आपने इस बिजनेस से? सर हमने प्रॉफिट मार्जिन हमारा लगभग 20-25 हज़ार रुपये था। 20-25 हज़ार रुपये आपने पहले महीने में कमाए। ठीक है, उसके बाद में कैसे आप इतने बड़े लेवल पे गए उसके बारे में? सर जो हमने पहले महीने में 20-25 हज़ार कमाए थे उसको हमने अपने बिजनेस में लगाया। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट था उसके बाद हमने उसके अगले महीने हमारा और डबल प्रॉफिट हुआ। फिर उसके महीने फिर जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता गया हमने तीसरे महीने में आके हमने 1-1.5 लाख रुपए तक की इनकम कर ली। हाँ जी, इसी तरह हमने अपने बिजनेस को बढ़ाया। और साथ में हमारे एक भैया थे। अच्छा। उन्होंने हमारा साथ दिया उसमें। अच्छा, बाद में जब आपने उनको बताया कि ठीक है अभी हम पैसे अच्छे कमा रहे हैं तो अगर आप साथ आ जाओगे तो और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। हाँ जी। तो इस तरीके से गाइस इन्होंने पूरा ये एम्पायर खड़ा किया। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा स्टार्टअप यहाँ पर लेकर के बैठे हैं और अभी ऑल ओवर इंडिया हर जगह पर इनकी कंपनी का माल जाता है। एक छोटा सा स्टार्टअप सोचने की बात है यार, मात्र 4,000 रुपये से बिजनेस को शुरू करने के बाद और इन लोगों ने इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर दिया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इनकी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ना हो, हर जगह पर इनका माल जाता है और हर एक बंदा इनके साथ में बिजनेस करके पैसे कमा रहा है। चाहे तो आप किसी भी बंदे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ये आपका पूरा मटेरियल है और हाँ यहीं से आप ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं। हाँ जी। हर जगह पर आपका माल जाता है। हाँ जी सर। तो मैं एक और चीज़ का पूछना चाह रहा था कि कोई भी व्यक्ति 4,000 में ही शुरू कर सकता है या फिर उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? सर 4,000 में हमारी स्टार्टिंग है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जैसे जिसका बजट हो वो उस हिसाब से अपना बिजनेस कर सकता है। अच्छा, बड़ा भी कर सकता है अगर किसी का बजट है। आपका बजट नहीं था तो आपने 4,000 में स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस कर सकता है। हाँ जी सर। ठीक है, तो मैम जैसे कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 4,000 रुपये में आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या आप उनको देते हैं जिससे कि वो अपना बिजनेस चालू कर सके? देखो उसके लिए 4,000 में हमारे यहाँ पर प्रेसिंग मशीन, पंचिंग मशीन, आयरन, अच्छा, सोल्डर, अच्छा, पेस्ट, एचएस कंपाउंड और स्क्रू होते हैं जी, ये 4,000 में मिलेंगे आपको। आप इनसे अपना मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जो 4,000 का जो प्लान है आपका कि 4,000 से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है तो वो सारी चीजें आप प्रोवाइड कराते हैं। हाँ जी। मतलब कि स्टार्टअप किट है आपका 3,999। कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ करके आत्मनिर्भर बन सकता है। ठीक है, इसमें एक प्रेसिंग मशीन हो गया, प्लस में वन डाई हो गया, और ये पंचिंग मशीन हो गया, एंड आयरन हो गया 1 पीस, और सोल्डर हो गया 60 ग्राम। ठीक है, पेस्ट है 15 ग्राम, एंड एचएस कंपाउंड है 100 ग्राम, एंड स्क्रू है
90 ग्राम, मतलब ये सारी चीजें आप मात्र 4000 में उन्हें प्रोवाइड करा सकते हो, जिससे कि उनका एक बिजनेस शुरू हो सके। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, अभी अगर मैं जानना ये चाह रहा था कि मैम इस प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, तो उसका हम लाइव डेमो भी देखना चाहते हैं, जिससे हर एक व्यक्ति वो भी तो चीजें देखना चाहता है ना, उसको लगना भी चाहिए कि क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा एक बार डेमो हमें दिखा दीजिए। जी सर। इसे B22 कैप कहते हैं, इसे हाउसिंग कहते हैं। ये हाउसिंग B22 कैप को हाउसिंग में फिट करके, फिट कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ड्राइवर है, ड्राइवर को पहले आपको ऐसे बॉडी में लगाना है, हाउसिंग में लगाना है। देखिए आप कैसे लगता है ये ड्राइवर हाउसिंग में, ये ऐसे फिट हो जाएगा। यहाँ पर फिट होने के बाद आपको B22 कैप लेनी है। B22 कैप लेके आप इसे B22 कैप को सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपको इसे पंचिंग मशीन में लगाना है थोड़ा सा। ये पंचिंग मशीन में ऐसे लगा के आपको हल्का सा पंच करना है, और ये पंच होके आपका ये B22 कैप फिट हो गई आपकी। ये देखिए फिट हो गई है। अब आपको इसे टिक्की कहते हैं, ये टिक्की आप इसमें फिट करेंगे, ये टिक्की फिट होगी टिक्की फिटिंग मशीन से। अब ये जो टिक्की फिट होगी ये अपना अपना मशीन की डाई है, डाई में ये बल्ब लगेगा। बल्ब रखने के बाद आपको ये प्रेसिंग मशीन से प्रेस करनी है, इसे प्रेसिंग मशीन कहते हैं। इससे प्रेस होगी, प्रेस होने के बाद आपका काम अब छोटा सा है, ये आप अपना PCB उठानी है, इसे PCB कहते हैं, जिससे लाइट आपकी लाइट आएगी। PCB आपको लगानी है, और आपको ये अपना सेट करनी है। इसे आप आयरन लेंगे, आयरन से आप इसे सोल्ड कर देंगे, प्लस वाली प्लस, लाल वाली प्लस में, काली वाली माइनस में, ये सोल्ड हो जाती है। सोल्ड होने के बाद ये सोल्ड हो गया। सोल्ड होने के बाद आपको इसे डिफ्यूज़र कहते हैं, डिफ्यूज़र आपको उसके ऊपर फिट करना है, और ये आपका बल्ब बनके कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम आपको जला के दिखाते हैं। तो ये बल्ब है, इसको हम आपको जला के दिखाते हैं। ये अभी तैयार करके आपके सामने तैयार करा गया बल्ब है, ये अभी जला के दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये आपका जल के तैयार हो गया। अच्छा, जैसे कि हमने डेमो भी देखा आपका, तो अभी थोड़ा सा वो सारी चीज़ें एक बार दिखा सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि 4000 में कौन कौन से पीसेज मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम देखना चाहते हैं। जी, तो हाँ। इससे आगे की जो जानकारी है हाँ। वो हमारे भैया देंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया। ओके मैम। तो सर, जैसे कि मैम ने बताया कि आप उनके भाई हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतना आगे उनको बढ़ाया कि आज आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि ऑल ओवर इंडिया में आप लोग माल सप्लाई कर रहे हैं, और हर जगह पर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा वो चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या, ये जो पीसेस के बारे में बताया था, जो कौन से डाई वगैरह मिलती है उनके बारे में बता दीजिए, और क्या कोई अगर बड़े लेवल से भी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। आपको छोटे लेवल से स्टार्ट करना, बड़े लेवल से स्टार्ट करना, वो हम सारी चीजें आपको करा के देंगे। ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे अपना एक बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है। सबसे छोटा बिजनेस स्टार्टअप करने से आपका ये रहता है कि किसी किसी इंसान को पसंद नहीं आता कि वो छोटे लेवल से स्टार्ट करे, कोई कोई चाहता है कि हम अच्छे लेवल से स्टार्ट करें। बिल्कुल। पर ये छोटा और बड़ा लेवल कुछ नहीं होता, आप अपना लेवल खुद चुनते हैं, आपको बड़ा करना है या छोटा करना है। बिल्कुल। जैसे कि हमने बच्चों बताया होगा, छोटी बहनों ने मेरी बताया आपको कि ये 4000 से किट स्टार्ट होती है आपकी। 4000 में आपको प्रेसिंग मशीन, पंचिंग मशीन, आयरन, सोल्डर, पेस्ट, कंपाउंड पेस्ट और स्क्रू मिलते हैं। इनकी कुछ क्वांटिटियां होती हैं जो आपको मिलती है, एक डाई फ्री मिलती है उसमें आपको। ठीक है, ठीक है। अब इसके थ्रू आप एक बल्ब बना के तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेरे भाई लोग हैं जो अपना एक अच्छी लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग किटें हैं मेरे पास। जैसे कि 6999 में आपको सारी चीजें मिलनी है, प्लस आपको 100 पीस का मटेरियल भी वहां पर मिल रहा है। ठीक है।
थर्ड पे आपको आती है एडवांस किट। एडवांस किट में आपका क्या होता है कि आपको कोई भी चीज बाद में क्या होता है कि जब आदमी का बिजनेस बढ़ता है तो उसको बाद में कुछ एडवांस मशीनरी की जरूरत होती है जो कि वो आपका बाद में उसे खरीदनी पड़ती है, तो इसमें आपको वो मशीनें पहले से मिलनी है, जैसे प्रेसिंग मशीन, पंचिंग मशीन, आयरन, शोल्डर पेस, कंपाउंड पेट, स्क्रू, ये सारी चीजें तो उसमें है ही है। साथ में उसमें प्लस हो जाती है आपकी हॉट एयर गन, स्क्रू ड्राइवर, कटर, टेस्टर, चिमटी, ये सारी चीजों के थ्रू आप एक बल्ब अपनी आसानी से बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना सकते हैं। साथ में हमारी जो बेस्ट किट है, मेरे हिसाब से अपनी बेस्ट किट होती है 11,999 वाली किट, जिसमें आपको सारी एडवांस किट की मशीनरी मिल रही होती है, प्लस उसमें 150 पीस का मटेरियल मिल रहा होता है जो आपकी तीनों क्वालिटी का होता है, जिसमें आप गारंटी दे सकते हो, नॉन गारंटी वाला भी होता है, एक साल गारंटी वाला होता है, 6 महीने वारंटी वाला होता है, ये सारी तरीके के मटेरियल इसमें आपको मिल जाते हैं। इससे आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, साथ में आप अपना मटेरियल ऐड कराने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें हाय हेलो का मैसेज डालिए, आपको सारे प्रोडक्ट की डिटेल मिलेगी, वहाँ पर अच्छे से अपना काम स्टार्ट करिए। आपको 10,000 लगाना, 20,000 लगाना, 50,000 लगाना, 1,00,000 लगाना, मैं आपको राय दूंगा, आपका जैसे मन करे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप वैसे स्टार्ट करिए, पर अपना बिजनेस अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाइए आप जी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी ये हमारी होती है प्रेसिंग मशीन, इसे प्रेसिंग मशीन कहते हैं हम लोग, ये देखिए, ये हमारी पंचिंग मशीन है, इसे पंचिंग मशीन कहेंगे, और इसके साथ साथ आपके बल्ब के मटेरियल होते हैं जो कि इस तरह होते हैं, ये B22 कैप देख रहे हैं आप, ये आपकी टिक्कियाँ हैं, ये आपकी बॉडियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, इसे ड्राइवर कहते हैं, ये ड्राइवर रखा हुआ है हमारा, इसमें आपके डिफ्यूज़र रखे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी बॉडियों के डब्बे हैं, ये आपकी ट्यूब लाइट्स हैं, ये सारी चीजें हमारे पे होती है। कुछ रेडी मटेरियल अगर आप नॉन गारंटी पे काम करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह होते हैं, ये सारे बॉक्सेस हैं, आपके 200 पीस की पैकिंग होती है, आप जितने चाहे उतने अपना रेडी मटेरियल भी उठा के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कि जो जो लोग हमारे को ऑर्डर करते हैं उनका माल कैसे पैकिंग होता है, कैसे डिस्पैच होता है, तो ये हमारी जो पैकिंग सिस्टम है, पहले आपका माल इस तरह पैक होगा, यहाँ पर सारी गिनती होगी, आपका माल प्रॉपर है या नहीं है वो सारी चीजें देखी जाएंगी, फिर उस पर नाम लिखा जाएगा आपका, नाम लिखने के बाद टेपिंग होगी और आपकी मशीनें कुछ इस तरह पैक की जाती हैं, ये ऐसे पैक होगा, उसके बाद आपकी मशीन यहाँ से डिस्पैच होगी, तो इसी तरह आपका जाता है, जो आपका कुरियर चार्जेज हैं, सारी चीज़ें हैं वो आपका बिल में आपका इंक्लूड होता है, आपको जब बिल पहुँचता है तो उसमें इंक्लूड होगा, और आपको जो पेमेंट करनी है वो हमारे को एडवांस पेमेंट करनी है, कोई भी आपको अगर गलत फ़ोन करता है या गलत गाइड करता है वो आप मत सुनिएगा, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको पेमेंट करनी होती है वो प्रीपेड करनी होती है, एडवांस पेमेंट, फुल पेमेंट एडवांस होती है, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ से माल में कोई दिक्कत ना हो। लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन आपको ये कह देते हैं कि आप बस कुरियर चार्ज डाल दो और बाकी का मटेरियल आप पे पहुँच जाएगा, तब आप कैश ऑन डिलीवरी दे देना, पर वो चीज़ सही नहीं है, वो सब आपको सिर्फ पागल बनाने की चीज़ें हैं। वो क्या करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी दे देना, पर वो आपके जो कुरियर चार्जेस होते हैं वो रखते हैं, उसके बाद वो आपका फ़ोन भी नहीं। सो गाइज, अगर आप बिजनेस को करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहे होंगे, कभी भी कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंपनी में विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।